बार बार हाथ धोना, ताले चेक करना, बार बार अश्लील विचार आना, काउंटिंग करना, ये समस्या के बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त क्यों महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ लोगों को एकदम कम मात्रा में ये प्रॉब्लम रहता है और वो एक तरह से बहुत अच्छा है। कौन सा प्रॉब्लम? कि वो ताले एक दो बार लगा के नहीं ताला चेक करेंगे, ज़्यादा घर साफ सुथरा रखेंगे, फिर काउंटिंग करेंगे, बार बार चेक करके देखेंगे हुआ कि नहीं हुआ। तो ये एक हद तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते क्योंकि वो ठोक बजा के बार बार चेक करके फिर वो काम करते हैं, कंप्लीट हुआ ऐसा बोलते हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहता है। और एक्चुअली ये लोग बहुत हाई पोस्ट के ऊपर आपको दिखेंगे, सीईओज रहेंगे बड़े बड़े कंपनियों के, क्योंकि उनको आदत है वैसे कि बार बार चेक करना, बार बार ताले चेक करेंगे, काउंटिंग करेंगे, मतलब वो देख लेंगे, एक्नॉलेज करेंगे काम हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे लोग। मगर थोड़ा अभी हायर जाओ, थोड़ा ज्यादा कौन सा है कि बार बार हाथ धोना, 7-8 बार, 10 बार 15 बार हाथ धो रहे, फिर बार बार चेक करना, एक बार ताला चेक किया, फिर गए, फिर चेक किया, फिर गए, फिर चेक किया, 3-3 बार चेक करना, 3 बार चेक करने के बाद में एक बार गिनना, ऐसा 3 बार चेक करना मतलब 9 बार हो गए, या काउंटिंग करना बार बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे काउंटिंग करना, या फिर बुरे बुरे विचार आना, भगवान के बारे में अश्लील विचार आना, भगवान के साथ में सेक्स कर रहे ऐसे विचार आना, या अपने रिलेटिव जो है उनके साथ में सेक्स कर रहे ऐसे विचार आना, ऐसे विचार के जो नहीं चाहते हैं मगर वो बार 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 आते रहते हैं और उससे बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसमें ये लोगों का ऐसा रहता है कि वो इतना साफ सुथरा रखेंगे और इतना उनको गंदगी का डर रहता है कि वो घर में कोई आया बाहर से तो वो अलाउ नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं पहले आप हाथ पैर धो लो बाद में आ जाना, या फिर वो व्यक्ति आया बोल तो सकते नहीं, आया बैठा वो चले गया तो बाद में फिर वो बेडशीट साफ करेंगे, जहाँ उसने जूते रखे थे वो साफ करेंगे, ऐसा बहुत साफ सुथरा रखेंगे ताकि भाई वो जो आया हुआ है वो गंदा था, अभी हमको साफ करके मिल रहा है और साफ करके हम ले रहे हैं वापस। कुछ लोगों को इतने बुरे गंदे विचार आते हैं कि भाई अपने सगे लोगों के साथ में सेक्स कर रहे हैं, या भगवान के साथ में सेक्स कर रहे हैं, या उनकी नजर फिर भगवान के प्राइवेट पार्ट के ऊपर जाती है, मतलब ऐसा उनको लगता है कि ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, वो बहुत घबरा जाते हैं ऐसे विचार भी करके, और वो बार बार चित्र दिखेंगे, बार बार विचार आएंगे, और उनको लगता है कि भाई इसका कुछ तो भी करो, मतलब कुछ लोग आत्महत्या भी इसमें कर लेते कि ऐसा कैसा हो सकता है कि भगवान के बारे में मैं इतना बुरा कैसा सोच सकता हूँ, खुद की माँ के बारे में ऐसे उनको विचार आते हैं। कुछ लोगों को ऐसे विचार है कि अपनी विष्ठा खाना है, गंदगी लैटरिन वो खाने के विचार है, इतने बुरे विचार कि उनको जीना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को ऐसे घर में बहुत गंदा है साफ सुथरा करो, बार बार धो डालेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि अपन गंदे हैं खुद, तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे स्नान करते बैठेंगे, स्नान कर 2.5-3 घंटे इतना एक एक ड्रम पानी फेंकते जाएंगे। तो ये सब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लक्षण हैं। ऑब्सेशन, बार बार विचार आना, और वो अपने मर्जी के खिलाफ विचार आते रहते हैं, उसकी इच्छा नहीं रहती है कि अपने विचार आना चाहिए मगर आते रहते वो कंट्रोल नहीं कर सकता। एक ही विचार बार बार इतने बार विचार आएगा कि दिमाग खराब होने तक, मतलब ऐसा कि भाई बहुत एग्जॉस्ट हो गया ऐसा बोलता मैं, वो बहुत टायर्ड हो गया विचार करते करते, वो खुद विचार नहीं करता, फिर विचार चले जाएगा, फिर एक नया विचार आ जाएगा, फिर नया विचार वही आता जाएगा। एक आधा गाना उसने सुन लिया, बस वही गाना बार बार आएगा। पिक्चर देखने जाएंगे तो वही पिक्चर की स्टोरी बार बार आएंगी। किसने कुछ बोल दिया उसको दिल को लग गया, फिर वही बार बार, मतलब वो इतनी कोई भी चीज़ बार बार होती है कि वो थक जाते हैं, पूरी एनर्जी उनको लगता है कि निकल जाएंगी, फिर वो कहीं आना जाना नहीं कि उनको गंदा लगता है सब जहाँ वहाँ, तो जाते आते नहीं है, किसके अंत्यात्रा में कोई जाके भी आया ऐसा मालूम पड़ा तो उसको बोलते हाथ पैर धो लो फिर बाद में घर में आना, 10 बार हाथ पैर धो लो बाद में आना है, किसके सुन लिया बात फोन के ऊपर भी कि कोई मर गया तो वो फोन को धोना पड़ता है उनको, या पूछना पड़ता है कि सुन लिया फोन से। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। देखो ये अर्ली स्टेज में यदि पकड़ में आई ना, अर्ली स्टेज में, तो इसका इलाज अच्छी तरह से हो सकता है, मगर यूजुअली उसकी कहानी ऐसी है कि अर्ली स्टेज में कभी पकड़ी जाती नहीं। थोड़ा ऐसा करने लगा कोई व्यक्ति तो लोग बोलते हैं ठीक है यार छोड़ दे उसको, चलते रहता है, इतना हाथ मत धोना, इतना साफ सुथरा मत रखना, ऐसा कोई हो ऐसा उसको टालते जाते हैं और वो नॉर्मली लिया जाता है, वो भी खुद व्यक्ति जाता नहीं है, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ते जाता हूँ, और फिर बढ़ने के बाद में फिर बाकी लोगों को भी तकलीफ हो जाती है। अभी समझो एक व्यक्ति को ऐसा है कि लैटरिन
लगती है, ऐसा उसको बार बार विचार आता है, और उसको विचार आता है कि लेटरिन साफ नहीं हुई। एक्चुअली IBS नहीं है, पेट का विकार नहीं है, वो जाता है उसको लगता है कि अपनी साफ नहीं हुई, फिर आएगा फिर जाएगा फिर आएगा, एक लेटरिन घर का उसमें परेशान बिजी है, मतलब वो आदमी परेशान है, एक लेटरिन पूरा बंद है, कायम है ये व्यक्ति के इसमें, क्योंकि उसको लगता है बार बार विचार आता है कि अपना पेट साफ नहीं हुआ, या यूरिनल को जाएगा बार बार बार। तो इसमें इलाज क्या है? इसमें इलाज यह है कि हमको ये उसको साइकोथेरेपी में या हिप्नोटिज्म में, हिप्नोथेरेपी में ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ेगा कि विचार जो है, ये जो थॉट्स है, ये विचार तुम्हारे नहीं है, ये विचार ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ऑटोमेटिक उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, आप जानबूझ के ये नहीं सोच रहे कि मुझे ये विचार आना चाहिए, ये तो आपके मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती घुस रहे विचार आ रहे हैं। तो ये पहला स्टेप है एक्नॉलेजमेंट कि भाई ये मेरे विचार नहीं है, मेरे पास में विचार है, मैं लाता नहीं हूँ, ये ऑटोमेटिक आते हैं, और फिर मैं अलग हूँ और विचार अलग है, दोनों व्यक्ति अलग अलग है, एक बॉडी में दो मन है, एक बॉडी में दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है कि जो शांत है, रिलैक्स है, मस्त लगता है, उसको अच्छा भी लगता है, वो सब कामकाज कर सकता है, दूसरा व्यक्ति है एकदम बुरा सोचता है बार बार, उसको उसके सिवाय आता ही नहीं है कुछ। तो ऐसे इसमें साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, अलग अलग थेरेपी है वो देना है। इसके साथ साथ जो एंटी ऑब्सेसिव मेडिसिन जो है, वह एंटी ऑब्सेसिव मेडिसिन देना जरूरी है। यदि हम देते हैं अगर अच्छी मात्रा में तो उससे फर्क पड़ सकता है। तो मेडिसिन और साइकोथेरेपी दोनों हम देते हैं तो फायदा होता है। कुछ ऐसी स्टडीज है कि जिसमें इलेक्ट्रो शॉक दिए है, ECT दिए हुए, और ECT से कुछ लोगों को फायदा हुआ है। फिर सवाल आता है कि वो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ में बीमारी थी क्या, हो कुछ लोगों को काफ़ी अच्छा फायदा हुआ है, कुछ लोगों को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो ECT देके ट्रायल कर सकते हैं, यदि बहुत ज़्यादा है, खुदकुशी के विचार आ रहे हैं, अनकंट्रोल्ड है, तो मैंने आखिरी का इलाज करके शॉक ट्रीटमेंट हम सोच सकते हैं। तो इस तरह का ये काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है, भले बहुत ज़्यादा ना हो, कम है, मगर कम प्रॉब्लम में यदि आप साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हो और इसका इलाज चालू करते हो, तो आगे जो सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है, जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है, खुद का भी जीना मुश्किल होता है, लोगों का भी जीना मुश्किल हो जाता है। तो पहले पकड़ लो, इलाज करो, ताकि बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी लोगों को शेयर करो। इसके बारे में कुछ आपको प्रॉब्लम होंगे तो नीचे नंबर दिए उसके ऊपर कॉल करो। यह हमारा ऐप है, वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आप सवाल जवाब करो, फ्री चैटिंग उपलब्ध है, और आपकी तबीयत अच्छी कर लो। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।